भाइयों, वो कहते हैं ना कि वहम आपको बहुत बीमार बना सकता है। मैं आज आपसे शेयर करूंगा अपना कोरोना वायरस का ये जो पूरा एक्सपीरियंस है मेरे साथ जो हुआ है पिछले 5-6 दिनों में। सबसे पहले तो मैं कामना करता हूँ कि आप सभी लोग अपने फैमिली में, अपने परिवार वालों के साथ एकदम सही हों, एकदम स्वस्थ हों और दूर दूर तक आपके पास ये वायरस भटके भी ना। अब बात करते हैं कि मेरी स्टोरी कैसे शुरू होती है। तो बात शुरू होती है पहले दिन से। मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मेरे को कफ आना स्टार्ट हुआ है, या मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हुई है, एंड आई जस्ट अज्यूम कि ये नॉर्मल है। बट नेक्स्ट डे थोड़ा सा सीवियर मेरे को लगने लगा सिम्टम्स अपने, और मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। डर सबको लगता है, तो इट्स क्वाइट नेचुरल, राइट। अगले दिन मुझे फील हुआ कि मेरी चेस्ट थोड़ी सी स्वेल होनी स्टार्ट हुई है, और उस टाइम पे मैं काफ़ी डर गया था, बट मैं अपनी फैमिली ही को कुछ नहीं बता पा रहा था, और मैं कंप्लीट आइसोलेशन में था। मैं सब लोगों से बच के थोड़ा सा रहने शुरू किया था। बट फ्रॉम नेक्स्ट डे इट वॉज वेरी सीवियर टू मी, तो मैंने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया, अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करना स्टार्ट किया। एंड जैसे ही आप लोग इंटरनेट पर जाते हैं तो आपको यही सब मिलता सुनने के लिए, तो आई वॉज कम्प्लीटली इन अ ब्रॉक डाउन सिचुएशन दैट टाइम। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया और उन्होंने मेरा प्रॉपर ECG किया दैट डे, एंड दे आस्क्ड मी कि तुमने कुछ लिया तो नहीं है, समथिंग लाइक दैट। मैंने जो दवाइयाँ तब तक खाई थी वो उनको दी, और ECG मेरा नॉर्मल था। देन दे सजेस्ट एंड सम एंटी डिप्रेसेंट पिल्स टू मी, एंड एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड। बट नेक्स्ट डे, उसी दिन शाम को मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी चेस्ट थोड़ी और स्वेल हो गई है, एंड आई वॉज कम्प्लीटली यू नो शॉक्ड कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं किसी को बता भी नहीं सकता। एंड यू कैन नॉट गो फॉर द COVID-19 टेस्ट विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्टेड फॉर्म और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सजेस्ट सर्च किया, और मुझे लगा और मुझे मिला कि US में एक दो हेल्थ चैनल हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने रिकमेंड किया कि आपको कैसे पता लग सकता है कि आपको कोरोना वायरस है अर्ली स्टेजेस में, विच इज़ एक्सरे। तो नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर अ एक्सरे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा एक्सरे कैसा है, या डॉक्टर ने मुझे क्या बताया कि कैसे आपको पता लगता है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं। तो बेसिकली आपका ये जो लंग होता है, लंग के अंदर एल्वोलाय नाम के गैस एक्सचेंज सिस्टम है ब्लड के, वो कोलैप्स हो जाते हैं इस वायरस जैसे ही आपकी बॉडी में ये वायरस आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सरे आपको बता देता है कि कोई भी फ्लैग मीन्स बलगम तो नहीं जम रहा है। अगर बलगम जम रहा है तो चांसेस हैं कि ये सीवियर होकर निमोनिया बन सकता है, और उससे आपको पता लगता है इस कंडीशन में अगर निमोनिया आप डेवलप कर रहे हैं, एडल्ट हैं, तो 100% आप कोरोना वायरस वाले पेशेंट हो सकते हैं। एक COVID-19 टेस्ट है विच वर्थ ₹4,500 इन नॉर्मल प्राइवेट लैब्स, बट ये 200-300 रुपये में कोई भी आपको कर देता है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अर्ली स्टेजेस में हैं, तो आप सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आप मेरी सजेस्ट मान सकते हैं, अगर सजेशन मानना चाहे तो मान सकते हैं, क्योंकि मैंने ये फील किया है एंड आई ऑब्जर्व वेरी पेशेंटली कि कैसे ये चीज़ें डेवलप होती हैं। तो मैंने एक्सरे किया, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने मुझे बताया कि यू डोंट हैव कोरोना वायरस, डोंट वरी, क्योंकि अगर आपको कोरोना वायरस होता तो यहाँ पर ये जो थिक लाइनिंग होती हैं ये थोड़ी नैरो होना स्टार्ट हो जाती हैं और फ्लैगिंग जम जाता है, जिससे मैं ईजिली फिगर आउट कर सकता हूँ, मीन्स डॉक्टर कर सकते हैं कि आपको निमोनिया होने वाले चांसेज हैं या नहीं। भाई, देखा आपने कि कैसे एक वहम आपको बहुत कंटिन्यूसली सोचने पर मजबूर कर देता है कि आपको कोई बीमारी डेवलप हो रही है, और आपको यकीन नहीं आएगा इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी मुझे उस टाइम पर थी कि मेरी हार्ट बीट वॉज वेरी ब्लास्टली, और यू नो मैं डॉक्टर के पास गया एंड आई चेक माई BP एंड इट वॉज नॉट नॉर्मल। सबसे बड़ी बात, आपके सब कुछ दिमाग से चलता है, तो अगर आपको वहम है, कुछ भी है, तो आप एक्सरे के लिए जा सकते हैं। बट उससे पहले अगर आप ट्रैवल नहीं किया है, आप घर में हैं और आपको कोई ऐसा आपकी फैमिली में नहीं है, तो यू वुड बी ओके, डोंट वरी। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक जर्नी कोरोना वायरस को लेके। मैं कम्प्लीटली ठीक हूँ, मैं अपना वर्कआउट कर रहा हूँ, मे बी वर्कआउट की वजह से मे बी मेरी चेस्ट स्वेल हो गई हो, मुझे पता नहीं क्या हुआ है। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, हार्ट इज़ नॉर्मल, लंग्स इज़ नॉर्मल, सो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल आई बिलीव, राइट।
आई होप कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों। अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम्स अपने समझ नहीं आ रहे हैं या सांस आपको लग रहा है कि भारी हो रहा है, तो आप इस तरह से एक्सरे के द्वारा, पहला चीज़ होती है एक्सरे जो सबसे पहले आपको बताती है कि लंग्स आपके परफेक्ट हैं या नहीं। दूसरे नंबर पर होता है सीटी स्कैन जो मॉनिटर करता है, जो एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से आपको दिखा देता है। और थर्ड द पीसीटी या जो आपका COVID-19 के केस में होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो और आई होप कि आपको ये चैनल पसंद है, आपको मेरी कॉन्टेंट पसंद है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम बहुत जल्दी 20,000 की फैमिली होने वाले हैं। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट। आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई पर्सनल, आपको लग रहा है कि आप ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन में, आप बात कर सकते हैं मुझसे, इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पब्लिक, तो आप बात कर सकते हैं मुझसे। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में और आशा करता हूँ कि आपकी फैमिली और आप सभी स्वस्थ रहें।